इधर एक मोर है। बाप रे क्या कलरफुल दिख रहा है। देखो 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 कितना सारा है। और एक झुंड। बाप रे। नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत और पूरा फैमिली आपको स्वागत करते हैं लाइव टू एक्सप्लोर में। हम जा रहे हैं ऊटी। वैसे मैं तो 6-7 7-8 बार गया रहेगा ऊटी और मानी 3-4 बार है, और लेकिन मम्मी पापा आज तक कभी ऊटी नहीं गए। इतने बार आके आसपास में काफ़ी जगह हम घूम रहे हैं। हाँ, आयुष्मान का एक बार दो बार हो। हाँ, 2-3 बार ये भी 2-3 बार हो गया। मतलब हम शादी से मतलब आयुष्मान आने से पहले हम एक बार जाके आ गए थे ना। दो बार जाके आ गए थे। तो इसलिए मम्मी पापा को भी घुमाना है ऊटी, क्योंकि गाँव से वो तरफ से कोई भी आते हैं। ऊटी इतना फेमस है कि अगर ऊटी आपने नहीं घूमा तो मतलब बेंगलोर जाके कुछ मतलब नहीं है, ऐसा टाइप रहता है। इसलिए हम ऊटी का प्लान बनाया। वैसे वेदर इतना सही नहीं है, 50% चांसेस है रेन का क्योंकि मानसून चल रहा है, और उधर का टेम्परेचर है 11 डिग्री। मनाली से भी कम। मनाली में तो 22 डिग्री दिखा रहा है, उधर 11 डिग्री टेम्परेचर है। तो आधा बैग तो मतलब ठंडी वाला कपड़ा स्वेटर वेटर वो सब में ही चला गया। तो हम मैसूर रोड नहीं लेंगे क्योंकि उधर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है। हम कनकपुरा रोड होके जाएंगे। 280 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है, मोर देन 6 आवर्स ड्राइव। तो लेट्स गो। चलो जी चलो इसमें। जय जगन्नाथ। निकलते निकलते 7 बज ही गया। 10 मिनट है वैसे, सामान वामान रख के अरेंज करने में ये सब में टाइम तो लग ही जाता है। और जल्दी नहीं उठ पाए क्योंकि मेरा अभी काम था, रात को 12 बजे तक काम चल रहा था। तो सुबह इतना जल्दी उठने को नहीं होता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कितना टाइम, 280 किलोमीटर कम से कम 6.5 घंटा ऐसा कुछ दिखा रहा है, और बीच में हम लंच ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे तो और थोड़ा टाइम ऐड होगा। एनीवे लेट्स गो। जय जगन्नाथ। शाबाश। हमारा नाइस एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ और हम आगे कनकपुरा रोड पे। हम कनकपुरा मालवली होके जा रहे हैं। ये रोड जब ख़त्म होगा ये कनेक्ट होगा मैसूर ऊटी रोड पे। वैसे ना दो रूट है, आप नेशनल हाईवे मैसूर रोड से भी जा सकते हो ना। मैसूर रोड पे जा सकते हैं, उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो प्रॉब्लम है। उसके अलावा भी नेशनल हाईवे 44 होके कृष्णगिरी धर्मपुरी वो रोड होके भी एक रास्ता है ऊटी जाने के लिए पूरा, मतलब वो कोयम्बतूर होके। हाँ कोयम्बतूर नहीं, उसके साइड से ही होके जाता है। तो उधर से जाएंगे तो ऑब्वियसली मस्त रोड रहेगा, टेंशन नहीं। लेकिन आप अगर ऊटी जा रहे हो बेंगलुरु से और मैसूर ऊटी वाला रोड मिस किया तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि उधर दो दो नेशनल पार्क आएंगे, बंदीपुर मुदुमलाई, तो उसका नज़ारा अलग ही रहता है, नेक्स्ट लेवल रहता है। तो हमेशा यही वाला रूट फॉलो करना आपको अगर सीनिक ड्राइव अच्छा लगता है तो। और क्योंकि कनकपुरा रोड थोड़ा सा ये भी कंस्ट्रक्शन नहीं, वाइड हो रहा है ये भी, लेकिन सिंगल है ये, तो इसलिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिलेगा। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, 8:30 हो रहा है। और आगे ये रोड पे ना मैसूर रोड में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन कनकपुरा रोड में थोड़ा ऑप्शंस कम है, इसलिए जनरली ये वाला में हम रेगुलर रुकते हैं। तो इधर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। ये नाम भूल गया यार, नाम कौन सा था कुछ तो, ये मंदारथी गार्डनिया अच्छा वाला है, मतलब बहुत बार खाए हैं, अच्छा रहता है। ये इतना भीड़ रहता है कि बाहर हमको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिला, पूरा एकदम फुल है, तो अंदर रहना पड़ा। बाहर बैठने से थोड़ा मज़ा आता है लेकिन एकदम फुल है। वैसे लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड में तो जिधर भी जाओ आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगा।
मसाला सा इसमें ना पूरी ऐसा मसाला सा ना पूरी और हाफ हाफ अदरवाइज ओके आयुष्मान पूरी आलू करी नहीं यू वांट मसाला सा परफेक्ट अभी तो हमारा ब्रेकफास्ट खत्म हो गया अभी सीधा जाएंगे नॉनस्टॉप ऊटी अभी तो 50 किलोमीटर ही आए बीच में बांदीपुर आएगा नागौरोल आएगा कुछ जानवर दिखेगा तो रुकाएंगे गाड़ी नहीं तो सीधा होटल क्या दिखेगा क्या जानवर हाथी हिरन टाइगर कुछ नहीं मिलेगा तुझे लेपर्ड सब कुछ मिल जाएगा राइनो राइनो इधर नहीं है फिश बाय बाय अभी बेड डाल रहे हैं ताकि और कंफर्टेबली सो के जा सके क्योंकि आयुष्मान सोने की कोशिश कर रहा है मामा के गोद में तो अनकंफर्टेबल है और दादी आयुष्मान दोनों एक कैटेगरी गाड़ी में आते ही नींद आता है उनको सोना है मैं भी गाड़ी चलता है तो और ड्राइविंग नहीं करना रहता है तो मैं सो जाता हूँ ठीक है और ये कैमरा जंतु मतलब क्या जंतु नहीं वाइल्ड लाइफ दिखेगा वैसे हम सब जंतु ही है हाँ जंतु ही है एक टाइप का अगर दिखेगा तो शूट करने के लिए हो गया परफेक्ट तकिया भी है अभी आराम से आयुष्मान सो जाएगा जो सो गया कैंपर वैन का फुल मस्ती इच्छा तो घूमने वाले ना आप हैं मनाली से हैं कर्नाटक चलो जा चप्पल रख दे इसको बोलते हैं रियल स्लीपर क्लास ट्रैवल कैंपर वैन वाला हैं सुपर तुझे बोलूं चलो कंटिन्यू करते हैं और 120 किलोमीटर बाकी है लेट्स गो बंदीपुर टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है देखो 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 कितना सारा है और एक झुंड बाप रे हर मौसम में ये लोग को देखने का नजारा मस्त लगता है बारिश में तो हम नहीं देखे थे बारिश हो रहा है और ये लोग घास खा रहे हैं मजा कर रहे हैं करो भाई करो
कर्नाटका का बंदीपुर टाइगर रिजर्व हुआ ख़त्म। उसके बाद हमने बॉर्डर चेक पोस्ट होके मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एंटर किए। अभी मसीनागुड़ी होके एक्चुअली थेप्पाकाडू करके एक जगह आएगा, उसमें उधर ना दो रूट हो जाता है, एक शॉर्टेस्ट रूट आई थिंक 32 किलोमीटर और एक लॉन्गेस्ट वाला शायद 56 या 60 ऐसा कुछ। तो जो लॉन्गेस्ट रूट है वो छोटा वाला घाट है और जो शॉर्टेस्ट रूट है वो तगड़ा, मतलब 32 हेयरपिन बेंड, बहुत सारा हेयरपिन बेंड है। तो देखते हैं अभी कौन सा रूट फॉलो करेंगे। और हमको तो वैसे दिखा ऑलरेडी थोड़ा हिरन और पिकॉक, तो इधर कमा नहीं, वो दो चीज़ तो दिखता ही दिखता है, बाकी जानवर एकदम बेस्ट ऑन योर लक। हाथी तो आयुष्मान ने बहुत देखा है, दादा दादी नहीं देखे, तो उनको देखना को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। ये देखो इधर मोर है, एक लेफ्ट हैंड है, ट्रक पकड़ ले देखो, हां इधर है, ऑन ड्राइव बैठा है ना, इधर है, इधर है, इधर है, इधर एक मोर है। बाप रे क्या कलरफुल दिख रहा है, इधर ऑन ड्राइव बैठा है ना, बहुत सारा चूड़ा छी ना ना मोर से ले चित्ता कर कौन हो, हां बच्चा ये बसस। तो थेप्पाकाडू से हमने मसीनागुड़ी वाला रूट लिया, दो रूट है राइट, एक मसीनागुड़ी दूसरा गुड्डालूर। दोनों रूट का अलग अलग सीनिक मज़ा है। आपको अगर बड़ा सा घाट में ड्राइव करने के लिए डर लगता है तो आप गुड्डालूर वाला रूट ले सकते हो, क्योंकि जो मसीनागुड़ी वाला रूट है ना वो बहुत ही स्टिप रहता है, बहुत ही स्टिप और हेयरपिन बैंड मोर देन 30, और बारिश में थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहता है, लेकिन हमको तो मज़ा आता है सब। पानी भरपूर यार, जिधर नाला वाला कुछ भी दिखे एकदम पानी भरपूर। ये देखो इधर भी एक, इसमें हार्डली कोई पानी दिखता था, अभी देखो पूरा फुल फ्लो में है। हाँ और थोड़ा बारिश हो जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा पानी, इतना पानी है भाई। मसीनागुड़ी ये छोटा सा टाउन है मसीनागुड़ी, इधर बहुत सारा, आपको अगर वाइल्ड लाइफ स्टे अच्छा लगता है तो इधर आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स। नीचे बारी से तो ऊपर हालत खराब ही है।
गया, अभी हम पाइन फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे हैं। अभी तक तो बारिश चालू है, पता नहीं कितना हमारा व्यू पॉइंट हम घूम पाएंगे कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। फाइनली हम पहुंच गए, 3:30 हो गया एक्चुअली पहुंचते पहुंचते। आप लोगों को एक रूम टूर दे देता हूं, कौन सा जगह पे है ऊटी का। ये हॉल है, सारे विंडोज ये सब व्यू के साथ है। उसके बाद दो बेडरूम, ये थोड़ा सा किचन एरिया जैसा है, फिर ये एक बेडरूम, और बेडरूम से व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरा टी गार्डन। वो तो ऊटी के, वो तो ऊटी इसलिए फेमस है ना, ये व्यू देखो इधर से, पूरा टी गार्डन ही टी गार्डन है। और ये प्रॉपर्टी ना काफ़ी ऊपर है, इसलिए व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। अगर ऐसा बारिश लगातार होता रहा तो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इधर बैठ के एंजॉय करना, माउंटेन वेदर ही मस्त रहेगा। कैसा लग रहा है आयुष्मान, कैसा लग रहा है? ठंडी ठंडी लग रहा है, देखो सब स्वेटर पहन लिए। नहीं सच में है एक्चुअली ठंडी, आप अगर इधर आ रहे हो ना पूरा, मतलब इवन शू भी लेके आओ, जो कि घर घर के अंदर पहन सकते हैं। हम लेके आए थे क्योंकि ऊटी वाला एक्सपीरियंस है हमारा। और एक दिखा देता हूँ, ये तो एक हो गया, फिर दूसरा मम्मी पापा का, ये बेडरूम है, सेम टू सेम विद सेम व्यू। और दोनों बेडरूम के अंदर रेस्ट रूम अटैच्ड है। फैमिली के साथ आ रहे हो ना, ये वाला प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, क्योंकि दो बेडरूम है, या दो फैमिली होके आ भी रहे हो ना तभी बेस्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा लगा। ये booking.com के थ्रू मैंने बुकिंग किया था, मिस्ट लग्जरी रिजॉर्ट, उसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर लेना। आपको अगर यही वाला प्रॉपर्टी चाहिए तो आ जाओ। मुझे लगता है कुछ टैक्स फैक्स मिला के 10 या 11 हज़ार, आई थिंक 11,000 के आसपास है, दो दिन का, दो बेडरूम का ये पूरा प्रॉपर्टी। फिर सीज़न के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है, वो बढ़ेगा रेट, कम भी हो सकता है, तो जब बुकिंग करोगे वो टाइम पे आएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी ओनर से कॉन्टैक्ट करके आप नेगोशिएट करके बुक कर सकते हो। अब हम खाना ऑर्डर कर लिए, इधर स्विगी जोमेटो ये सब अवेलेबल है, तो ऑर्डर कर लिए, उसके लिए वेट हो रहा है। आपको बाहर से कैसा दिखता है वो भी दिखा देता हूँ। वैसे नीचे ऑफ ऐसा ऊपर नीचे होके विला से, एक्चुअली टू बेडरूम विला करके था, राइट, ऐसा है, ऐसा दिखता है, मतलब पूरा 2 BHK फ्लैट जैसा ही है पूरा, अच्छा है। मतलब वो होटल वाला फीलिंग्स नहीं आ रहा है, होम स्टे वाला ही घर जैसा ही लग रहा है, वैसा ही कुछ बनाया गया है, दैट्स गुड। अभी खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद क्योंकि हम ऑलरेडी आने में लेट हो गया, तो जाके बॉटनिकल गार्डन घूम के आ जाएंगे, फिर कल जितना सारा पॉइंट्स है इधर वो कवर करेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर कोई रेस्टोरेंट ये नहीं है, आपको एक तो बाहर खा के आना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसा जोमेटो स्विगी ऑर्डर कर सकते हो। पता नहीं कैसा कौन सा वाला रेस्टोरेंट से क्या लाया, वेज बिरयानी और पनीर बटर मसाला। ये बिरयानी कम खिचड़ी ज़्यादा, खिचड़ी ज़्यादा लग रहा है ना, चलेगा। भूख में जो भी मिलेगा। हाँ, अभी 4 बज रहा है ना, वैसे भूख भी लग रहा है, लेट हो गया आते आते। हाँ, वो खिचड़ी बनाया, हमेशा थोड़ी ना हमारे हिसाब से परफेक्ट वाला आ जाएगा। और नया लोकेशन है, चलेगा जो भी होगा चलेगा, पेट भरना चाहिए बस। ए हाँ, एटा चना मसला हले दी तमी तम कोडा मय रे खाइ दियो प्लेट नै आंदी गोडे कोडा नि गड रे ठंडी वाला गेट अप, क्योंकि इधर टेंपरेचर 12 डिग्री है, और मौसम क्या ही बताएं मौसम के बारे में, देख ही सकते हो
पूरा क्लाउड छा गया। पूरा उटी खाली है एक्चुअली, बारिश में कौन आएगा अभी। यही देख रहे हो ना, छाता पकड़ के हम बॉटनिकल गार्डन में आए तो इसीलिए उटी खाली है। ये वेदर में कौन आएगा, हम आए तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, इसलिए आ गए छाता पकड़ के भी। इसका मजा एक अलग है, धूप का मजा एक अलग है। नहीं, मानसून में ना जो व्यू आता है वो मतलब एक्सेप्शनल, पूरा इतना ग्रीनरी। और अभी देखो ये पूरा हमारे इंडिया मैप पे सब स्टेट्स है, और उधर बर्फ भी है। बर्फ भी है, हिमालय है उधर। हाँ। अच्छा, पूरा बना दिया इंडिया सारे स्टेट के साथ। बढ़िया। माउंटेन वाला भाई पूरा। बारिश और ये पूरा ग्रासलैंड जैसा व्यू। चलो आज के लिए बस इतना ही, जाते हैं रूम को और कल देखते हैं बारिश का सिचुएशन के हिसाब से बाकी का ठिकाना कल वाला देखेंगे कौन सा रहेगा ठिकाना। नहीं तो रूम में ही बैठ बैठ कर फिर से बेंगलोर रिटर्न। ये देखो मतलब पूरा ब्रिटिश हेरिटेज आर्किटेक्चर जैसा बिल्डिंग है, गेट बिल्डिंग। ये फील करवाता है कि ब्रिटिश जमाने का सिटी है। एनीवे, हम तो आ चुके थे बहुत बार, लेकिन बारिश का भी व्यू देख लिया, कैसा लग रहा है। चलो रूम पे चलते हैं। आगे हम घूम फिर के बॉटनिकल गार्डन से जितना जल्दी होगा घर पे आएंगे वैसा लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर पूरा डाउन होता जा रहा है, पूरा ठंडी भी बढ़ गया, इसलिए घर पे आ गए ठीक टाइम पे। टाइम कितना हो रहा है, 7 बज रहा है एक्चुअली, 6:50 हो गया। कल सुबह उठ के इधर आसपास देखेंगे साइट सीइंग, कुन्नूर भी जाएंगे। कुन्नूर बोले तो मतलब पूरा ऊटी वाला फील आता है पूरा, क्योंकि टी स्टेट उधर है। ऊटी पे तो सिटी के आसपास तो सारे ऑलमोस्ट टी स्टेट ख़त्म है। तो मुझे लगता है ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ। और मम्मी पापा ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो वैसे आता नहीं है हिंदी, और उड़िया बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम बातचीत करते रहते हैं, वो तो आए हैं इसलिए ब्लॉग में दिख रहे हैं, तो ब्लॉग में इन्वॉल्व करना अभी क्या है, बीच बीच में कमेंट आता है तो वो हमारे साथ है, घूम रहे हैं बस, बातचीत करना जरूरी थोड़ी ना है। वो लोग फिर भी कोशिश करते हैं बीच बीच में, बट दैट्स ओके। चलो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।